हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्मार्ट व्लॉग्स और आपका हमारे एक और व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग जिस जगह आए हुए हैं वहाँ पे शॉप का नाम है सुहेल कार सेल्स। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, आप लोग को ये शॉप दुबग्गा में पड़ जाती है, सब्जी मंडी के पास में, बगल में ही विशाल मेगा मार्ट है, वहाँ से ही। ज़्यादा दूरी पर यह शॉप नहीं है। और सबसे अच्छा लैंडमार्क ये है कि यहाँ पर आप लोग को टी वी का टावर मिल जाएगा। और अगर कलेक्शन की बात कर ले तो कलेक्शन आप लोग देख सकते हैं, महिंद्रा की गाड़ियों का सारा कलेक्शन आपको दिखाएंगे, जिसमें कि स्कॉर्पियो और बोलेरो ओनली होगी, जिसमें कि सारी तरीके की बोलेरो होगी, स्कॉर्पियो होगी, जो कि M2DI इंजन की होगी, M-Hawk इंजन की भी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हेलो बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो। ठीक है सर, आपका नाम? ठीक है सर, शॉप का नाम क्या है? सुहेल कार से। कहाँ पे पड़ जाती है सर ये? लखनऊ दुबग्गा सब्जी मंडी। ठीक है, यहाँ पे जैसे आना हो तो हम लोग कहाँ पे उतरे तो यहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे? सब्जी मंडी। ठीक है, और यहाँ पे पास ही में टीवी का टावर भी है जो कि काफ़ी बड़ा है, वो दूर से भी दिख जाता है, उसी के पास में ये शॉप आप लोग को मिल जाएगी। और बाकी आज कलेक्शन कौन कौन सा अवेलेबल है सर? स्कॉर्पियो, बोलेरो, ओके, सफारी वगैरह है। ठीक है सर, आपका अधिकतर जो कारोबार है सर वो महिंद्रा का है? महिंद्रा की गाड़ियों का, जैसे स्कॉर्पियो हो गई, बोलेरो हो गई, ऐसी गाड़ियों का पूरा महिंद्रा। ठीक है, आज स्टार्टिंग कितने से है गाड़ियों की, जैसे स्कॉर्पियो या बोलेरो की? बोलेरो स्टार्टिंग 3.5 लाख रुपए से है। ठीक है, स्कॉर्पियो 2 लाख रुपए से। ठीक है, स्कॉर्पियो की स्टार्टिंग 2 लाख से है और बोलेरो की 3.5 लाख से है। और गाड़ियाँ जितनी भी होंगी मेंटेन होगी और जितने भी प्राइस होंगे सारे नेगोशिएबल प्राइस होंगे, आप लोग यहाँ आके ऑन टेबल कम करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की सबसे पहली गाड़ी आपको दिखाते हैं। ठीक है, हमारी आज की जो सबसे पहली गाड़ी है, सबसे पहले तो न्यू सेप की स्कॉर्पियो है S3। ठीक है, S3 वेरियंट है ये, मॉडल 2018 का है। ठीक है सर, चली कितनी हुई है? 66,000 चली फर्स्ट ओनर। 66,000 चली हुई है, जितनी चली होगी ऑन रिकॉर्ड चली होगी। ठीक है, फर्स्ट ओनर है जी। और बाकी इसकी फ्रंट की ग्रिल हल्की सी चेंज है, आप लोग देख सकते हैं, और इसको भी फॉग लैंप भी लगाया गया है। UP 33 नंबर की गाड़ी आपको मिल जाएगी, यानी रायबरेली। ठीक है, VIP नंबर है 2525। और गाड़ी की प्रोफाइल आप लोग देख ही रहे हैं। इसमें सर अगर फंक्शंस की बात कर ले तो चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, साइड मिरर्स ऑटो फोल्ड होंगे जी। ठीक है, ऑटो फोल्ड साइड मिरर आप लोग को मिल जाएंगे और सीट कवर्स भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में होंगे, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी। आपके पास डिमांड कितनी रखी गई है सर? 8,75,000। ठीक है, 8,75,000 में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। अगर इसके न्यू की बात करें तो लगभग 14 के लगभग ये गाड़ी आती है, 14 लाख के लगभग, S3 वेरियंट। नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं, नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी स्कॉर्पियो ही है। ठीक, नेक्स्ट गाड़ी जो है स्कॉर्पियो, जैसा कि आपको बताया, ये आपको UP 32 नंबर की गाड़ी मिल जाएगी। सर कौन सा मॉडल है ये? 2010 M2DI। M2DI, इसकी डिमांड भी काफ़ी करते हैं, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो M-Hawk इंजन से कम भी आता है, जीरो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस गाड़ी है। ठीक है सर, चली कितनी हुई है? करीब 80,000 के आसपास। 80,000 के आसपास चली हुई है, और इनके लिए 80,000 कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, इतनी हैवी इंजन की गाड़ियाँ होती है, और इसमें आपको पूरी क्रोम किट मिल जाएगी, जितनी भी क्रोम किट आती है गाड़ी में। फर्स्ट ओनर है। ठीक है सर, अगर फंक्शंस की बात कर ले तो पावर विंडो मिल जाएगा? पावर विंडो नहीं, इसमें पावर विंडो नहीं होता है। ठीक है सर, फर्स्ट ओनर है। आपने डिमांड कितनी बताई इसकी? 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये ओनली। ठीक है, सीट कवर सभी इसमें नए ही लगे हुए हैं, और म्यूजिक सिस्टम भी आप लोग को मिल जाएगा, पावर विंडो आप लोग को नहीं मिलेगा, और बाकी पूरी गाड़ी अच्छी कंडीशन में है। टायर कितने परसेंट मिल जाएंगे? कितने परसेंट? चारों नए, चारों टायर नए हैं अभी। ठीक है, 4 लाख रुपये डिमांड आपके वहाँ रखी गई है, जिसमें भी सम्मान कर लिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट गाड़ी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। यूपी 40 नंबर की गाड़ी है, यूपी 40। मॉडल कौन सा जाता है? 2011 दिसंबर, यानी लगभग 12 की। 12। ठीक है, इसमें आप लोग को कस्टमाइज अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे जो कि ब्लैक कलर के हैं, और पूरी गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। साइड मिरर्स आप लोग को इसमें ब्लैक कलर के मिल जाएंगे। चली कितनी हुई है सर? चली करीब 80-85 के लगभग चली हुई है। इसका इंजन कौन सा है? एमहॉक। ठीक है, आप लोग को M2DI इंजन पे भी मिल जाएगी यहाँ पे स्कॉर्पियो। M2DI पे आपके पास कितने अवेलेबल है? M2DI 3 स्कॉर्पियो में। ठीक है, M2DI पे आप लोग को 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे भी। ये गाड़ी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एमहॉक इंजन पे है। ओनरशिप क्या जाती है? सेकंड ओनर है। इसमें आप लोग को पावर विंडो मिल जाएगा और लेदर फिनिश सीट मिल जाएगी, और इसमें भी म्यूजिक सिस्टम आप लोग को मिल जाएगा। डिमांड क्या रखी गई है? 4 लाख रुपये। ठीक है, 4 लाख रुपये इसकी डिमांड है, और इसमें भी आप लोग को क्रोम की किट पूरी लगी मिल जाएगी। नेक्स्ट गाड़ी देख लेते हैं। नेक्स्ट गाड़ी भी हमारी स्कॉर्पियो है। ये कौन सी ईयर का मॉडल है सर? 2009 का मॉडल। ठीक है, VLX यानी टॉप मॉडल हुई। इसमें आप लोग को अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, यूपी 32 नंबर की गाड़ी मिल जाएगी, और वाइट कलर की ये भी है, सेकंड ओनर है। ठीक है सर, सेकंड ओनर है, इंजन सही होगा? गुड कंडीशन। ठीक है, इंजन भी इसका एकदम सही है, और टायर भी अभी कितने परसेंट मिल जाएंगे सर? 50% टायर है। अभी भी लगभग कितने चल जाएंगे जैसे? अभी चल जाएंगे कम से कम 10-12 हज़ार चल जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी फंक्शंस की बात कर ले तो चारों पावर विंडो इसमें भी मिल जाएंगे, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम इसमें मिल जाएगा। इसमें सर कैमरा भी लगा हुआ है, बैक कैमरा है। ठीक है, ओनरशिप? सेकंड ओनर। चली कितनी हुई है? चलिए करीब 90,000। 90,000 के आसपास। ठीक है, डिमांड क्या रखी गई है सर? 3.5 लाख। इसमें भी कम कर लिया जाएगा? कम कर लिया। ठीक, 3.5 लाख में आपको स्कॉर्पियो मिल जाएगी जो कि सेकंड जनरेशन है। नेक्स्ट गाड़ी बोलेरो है हमारी। बोलेरो की भी आप लोग काफ़ी डिमांड करते हैं, और बोलेरो का यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है, तो आप लोग सबसे पहले ये बोलेरो देख लीजिए। मॉडल सर? 2015 का मॉडल है। ठीक है, यूपी 32 नंबर की गाड़ी है। इसमें भी आप लोग को 2 टायर नए मिल जाएंगे, फ्रंट के। पीछे के कितने परसेंट मिल जाएंगे सर? 30% टायर। ठीक है, और गाड़ी वाइट कलर की आपको मिल जाएगी, और ये वेरियंट कौन सा जाता है? एसली, यानी पावर विंडो इसमें नहीं मिलेगा। टेस्ट ड्राइव भी आप लोग ले सकते हैं, और फॉग लैंप भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग को फॉग लैंप भी मिल जाएगी। चली कितनी हुई है सर? अच्छी चली हुई है, 80-85। ठीक है, 80-85 के लगभग ये भी चली हुई है। ठीक है, ओनरशिप क्या जाती है? सेकंड ओनर। डिमांड क्या रखी गई है? 5.25 लाख। 5,25,000। ठीक, 5,25,000 इसकी डिमांड है, और जैसा कि आपको बताया सारे प्राइस नेगोशिएबल है। नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी बोलेरो ही है, लेकिन UP 30 नंबर, UP 30 19, हरदोई का नंबर है। ठीक है, फर्स्ट ओनर गाड़ी ये भी है। मॉडल कौन सा जाता है सर? 2017। ठीक है, एसली वेरिएंट, इसमें भी पावर विंडो नहीं मिलेगा। SLX और ZLX में पावर विंडो मिलता है। ठीक है, वाइट कलर की ये भी गाड़ी है। अभी भी इसमें अगर बात कर ले तो आपको 50-60% टायर मिल जाएंगे। फॉग लैंप इसमें भी आपको मिल जाएगी, और म्यूजिक सिस्टम इसमें भी आपको मिल जाएगा। चली कितनी हुई है सर? 75,000। ठीक है, ओनर सिर्फ आपने बताया? फर्स्ट ओनर। ठीक है, वेरिएंट एसली इस वक्त जैसे कितने की आती है? एसली तो वैसे नहीं आ रही है, बी सीरीज चल गई है, लेकिन कितने की आती है? माल नहीं मिलेगा, अभी 4 है ना, 4 पिस्टन वाली गाड़ी है। ठीक है, अभी 3rd पिस्टन की है। अभी 3rd पिस्टन की जो आ रही है वो सब इलेक्ट्रॉनिक और सब कुछ अच्छी है। ये गाड़ी काफ़ी हैवी भी है, अच्छी भी है। ठीक है सर, डिमांड क्या रखी गई है? 6,25,000 इसकी डिमांड है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप लोग को नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी बोलेरो है। बोलेरो का यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो देख लीजिए। यूपी 33 नंबर यहाँ पे रायबरेली का है। 33 नंबर में आप लोग को यहाँ पे बोलेरो भी मिल जाएगी, वो भी 2 ऑप्शन है, अभी नेक्स्ट भी दिखाएंगे। मॉडल कौन सा है सर? 2015 का मॉडल है। एसली वेरियंट आप लोग को मिल जाएगा। चली कितनी हुई है? 60-65,000। ठीक है, अगर 80% टायर है, अगर मेंटेनेंस की बात कर ले तो कितना आ जाता है सर? जीरो मेंटेनेंस। ठीक है, जैसे कि कंपनी में करवाए तब भी कितनी आ जाएगी? कोई इसका बोलेरो कौन सा मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट ओनर गाड़ी। ठीक है, कितने में अवेलेबल है आपके वहाँ? 5,25,000। ठीक, VIP नंबर 3636। ठीक है, 3636 आप लोग को इसका VIP नंबर भी मिल जाएगा। रायबरेली गाड़ी है। नेक्स्ट गाड़ी आप लोग को दिखा देते हैं।
ये थोड़ा सा ऊपर मॉडल है सर, जैसे एसलेक्स मॉडल आपने बताया 2017 का, लगभग 16 लाख की बताया ना। ठीक है, चली कितनी हुई है? 70 से 75,000। ठीक है, अगर सर जैसे कोई डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो ट्रांसफ़र होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, गाड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगी, बस कागज़ अच्छे होने चाहिए। ठीक है, टायर इसमें कितने परसेंट मिल जाएंगे? 50% टायर। ठीक है, ओनरशिप फर्स्ट है। इसमें कितने पीस पेंट हैं सर? बम्पर पेंट है अगले पिछले। ठीक है, अगले पिछले बम्पर पेंट है। ठीक है, इसकी डिमांड आपके पास कितनी रखी गई है? 6 लाख रुपये इसकी डिमांड है सर। ठीक, नेक्स्ट गाड़ी दिखा देते हैं। नेक्स्ट गाड़ी भी हमारी बोलेरो ही है। ठीक, नेक्स्ट गाड़ी भी बोलेरो है, UP 35 नंबर। ये उन्नाव का नंबर है सर? उन्नाव का। ठीक है, उन्नाव 2012 का मॉडल है। चली कितनी हुई है सर? 75,000। ठीक है, इसमें कितने पीस पेंट है? साइड पेंट है इसकी। ठीक है, ठीक है, आप लोग को इसमें चारों टायर नए मिल जाएंगे और गाड़ी भी आप लोग पूरी देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे कंडीशन में इसके टायर हैं चारों। ठीक है, चारों टायर ऐसे ही हैं और आप लोग इसकी साइड प्रोफाइल देख लीजिए, आप लोग को इस पर ग्राफिक्स मिल जाएगा और म्यूजिक सिस्टम भी आप लोग को इसमें मिल जाएगा। वेरियंट कौन सा है सर? एशली। इसमें भी पावर विंडो नहीं है। ठीक है, टोटल कितने में है? 3.5 लाख रुपये। ठीक है, आपके वहाँ इतनी ही रेंज में कितनी बोलेरो अवेलेबल है सर? ठीक है, और इसके अलावा जैसे कोई और भी बोलेरो आपके पास अवेलेबल रहती है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप कॉल करके वो लोग पूछ सकते हैं। आप लोग को डिस्प्ले पे नंबर मिल जाएगा और बाकी गाड़ियाँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी और कलेक्शन भी आप लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट गाड़ी स्कॉर्पियो आप लोग को दिखा देते हैं, M2DI इंजन पर मिल जाएगी सर। ठीक, आप लोग इसको सबसे पहले प्रोफाइल देख लीजिए, गाड़ी काफ़ी साफ़ सुथरी है और पूरी ओरिजिनल है सर। इसके बम्पर भी पेंट नहीं है? बम्पर पेंट है। ठीक है, टायर इसमें अभी भी काफ़ी मिल जाएंगे सर, जैसे कि 60-70% नए पड़े मुझे। हाँ, और पीछे के कितने परसेंट? 50% टायर है। ठीक है, आप लोग को इसमें ब्लैक बम्पर मिल जाएगा और गाड़ी तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी हेवी भी है एकदम सर, मजबूत गाड़ी, लोहा लाइट गाड़ी इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें भी म्यूजिक सिस्टम आप लोग को मिल जाएगा और कंपनी फिटेड पावर विंडो भी आप लोग को इसमें मिल जाएगा। चली कितनी है सर? 1 लाख के आसपास। मॉडल कौन सा है? 2003 का मॉडल, कागज कंप्लीट है, पूरे बीमा पूरे साल का। ठीक है सर, अभी कितनी चल जाएगी जैसे ये? अरे भी बहुत चलेगी, फिटनेस वाली है सीटर। ठीक है, अभी भी काफ़ी चल जाएगी ये। ठीक है सर, अवेलेबल आपके पास कितने में है? 2 लाख, वो भी नेगोशिएबल प्राइस। ठीक है, 2 लाख में आप लोग को यहाँ पे स्कॉर्पियो मिल जाएगी जो कि नेगोशिएबल प्राइस होगा। ओके गाइस, हमारी नेक्स्ट गाड़ी जो है टवेरा है जो कि शेवरोले की है। सर ये कितनी सीटर आ जाती है सबसे पहले? 7 सीटर है। ठीक है, मॉडल कौन सा है? 8 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है, 2008 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। बम्पर ओरिजिनल। ठीक है, बम्पर ओरिजिनल है, इसमें कोई भी पीस पेंट नहीं है? नहीं। ठीक है, आप लोग ये पूरी गाड़ी जितनी भी देख रहे हैं पूरी की पूरी ओरिजिनल है। ठीक है, स्टेपनी की भी? हाँ, 500। ठीक है, इसके 5 टायर नए हैं, स्टेपनी भी इसकी नई ही है और शेवरोले की गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी। चली कितनी है सर? 87,000 ओरिजिनल। सर 2008 से 87,000 चली हुई है? हाँ, ओरिजिनल चली है, मतलब मीटर बैग का कोई काम नहीं है। ठीक है, इंजन इसका टर्बो आ जाता है। ठीक है, ओनरशिप क्या है? फर्स्ट आपने बताया, डिमांड क्या रखी गई है? 2.25 लाख। 2,25,000। ठीक, 2,25,000 में आप लोग को यहाँ पे शेवरोले की गाड़ी मिल जाएगी जो कि 7 सीटर है। 7 सीटर गाड़ी कई लोग की ख्वाहिश होती है खरीदे, क्योंकि फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारी टोयोटा की इनोवा है, जिसकी काफ़ी डिमांड भी रहती है कि इनोवा दिखाइए, तो आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छी प्राइस में ये भी अवेलेबल है। मॉडल कौन सा है सर? 2013 का मॉडल है ये। इनोवा की सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड ओनर है सर। चली कितनी हुई है? 1,55,000। ठीक है, ये ओरिजिनल चली हुई है ये भी। ठीक है, सीट कवर्स भी आप लोग को इसमें काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगे जो कि लेदर फिनिश सीट होगी और चारों पावर विंडो इसमें भी मिल जाएंगे आप लोग को और स्टीयरिंग पे कंट्रोल आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसके बम्पर्स पेंट है सर? ठीक है, आगे पीछे दोनों के बम्पर। ठीक है, इसके बम्पर्स पेंट हैं और गाड़ी पूरी ओरिजिनल है, ये बोनट और सब चीज़ ओरिजिनल है सर। ठीक है, ओनरशिप आपने बताई? सेकंड ओनर। ठीक है, बीमा अभी इसका वैलिड है।
ठीक है, टायर कितने परसेंट मिल जाएंगे सर इसका? नए टायर है, ठीक है। और टोयोटा का इंजन है, टोयोटा का इंजन काफ़ी सक्सेस इंजन भी है। डिमांड क्या रखी गई है सर? 5,75,000। ठीक, 5,75,000 में आप लोग को इनोवा यहाँ मिल जाएगी। तो हमारी वीडियो की आज ये लास्ट गाड़ी थी, तो वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग को फाइनेंस के बारे में बता देते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग को अब सारी डिटेल दे चुके हैं, तो फाइनेंस के बारे में बता देते हैं। सर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है? फाइनेंस, ठीक है सर। ऑल यूपी के लिए कि खाली ऑल इंडिया के लिए? हमारे यहाँ पर 100 से 200 किलोमीटर, ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि लखनऊ पूरा हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा, सीतापुर के आसपास? सीतापुर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, यानी 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे फाइनेंस अवेलेबल है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग जाते हैं सर? ITR, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब वालों की पे स्लिप? पे स्लिप। ठीक है सर, डाउन पेमेंट की बात कर ले तो कितना देना पड़ जाता है? 30% डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा, और 70% आप लोग को फाइनेंस हो जाएगा। और फाइनेंस होने में सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? कोई प्रॉब्लम, बस ये है कि डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और अगर NOC की बात कर ले तो किसी भी ज़िले की NOC निकल जाएगी सर? ठीक है, NOC भी आपको मिल जाएगी, और ट्रांसफ़र होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए या गाड़ी में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सारी डिटेल आपको दे चुके हैं, तो वीडियो को ऐड करते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग को सारा कलेक्शन दिखा चुके हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। महिंद्रा की गाड़ियों के आप लोग काफ़ी दिन से डिमांड भी कर रहे थे, तो वीडियो को ऐड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छा अच्छा कलेक्शन लाते रहते हैं, चाहे प्रीओन्ड कार्स का, चाहे प्रीओन्ड बाइक्स का हो, चाहे प्रीओन्ड कमर्शियल व्हीकल का हो। आप लोग इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग को मैं सभी जगह जवाब दे सकता हूँ। आप लोग को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, कमेंट भी मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।